मेरा नाम समीना है, मैं सांगड़ की रहायश बाज़ार हूँ। यहाँ कराची अपनी जॉब के सिलसिले में आई थी। आदिल बदलतीफ वहाँ से मेरा पीछा करता हुआ यहाँ पे आया, मुझे फ़ोन वगैरह करता रहा लेकिन मैं इसकी कॉल नहीं उठाती थी। फिर एक दिन दोपहर मैं घर पे सो रही थी, 1:30 बजे का टाइम था, 24 तारीख 10वें महीने की, तो मेरे दरवाज़े पर दस्तखत हुई 2-3 दफ़ा। मैं सोई उठी 2-3 दफ़ा, दरवाज़े में पूछा कि कौन कौन, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने जैसे ही जाके दरवाज़ा खोला तो ये खड़ा सामने, इसने दरवाज़ा खोला और मेरे मुंह पे कपड़ा रख दिया और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर चीफ जस्टिस से यही अपील है कि मुझे इंसाफ मिले, वरना मैं हाई कोर्ट के बाहर खुदकुशी कर लूँगी। इन लोगों ने मेरे घर वालों को भी धमकियाँ दी हैं कि अगर किसने केस वापस नहीं लिया तो हम इसे जान से मार देंगे, कराची में इसकी लाश भी नहीं मिलेगी। और मुझे भी धमकियाँ दी हैं कि हम तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे भाइयों को उठा लेंगे। और अभी भी मेरी 25 तारीख को, ये 2 महीने की 25 तारीख को मैं हाई कोर्ट गई तो रास्ते में दो और भी इसके दोस्त थे, बाइक रोकी और गन दिखाई मुझे और मुझे कहा कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, और मुझे धक्का भी दे के गया। प्लीज़ मेरी सारी शहीद हो गया।